उत्तर विधानसभा के श्रीरामनगर फेस वन में रहने वाले लोगों ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। लोगों ने कॉलोनी से इसका बोर्ड भी लगा दिया है। दरअसल पिछले चार दशक से रहवासी खसा नंबर को लेकर प्रशासनिक दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर हैं, लेकिन उनकी समस्या को अभी तक नहीं सुना गया है। कहते हैं कि मेरे शहर में चुनाव आया है तो गरीब की थाली में पुलाव आया है, लेकिन कई क्षेत्र ऐसे हैं जिनके थाली में पुलाव आना तो दूर, अभी तक उन्हें उनके मकान का खसरा नहीं मिल पाया है, जिसे लेकर लोगों ने आंदोलन छेड़ दिया है। हम बात कर रहे हैं रायपुर के उत्तर विधानसभा की, जिसके सस्पेंस को लेकर जहाँ एक और खबरें सामने आ रही थी, वहीं बीजेपी और कांग्रेस ने अपने पत्ते खोले हैं। वहीं निर्दलीय चुनाव भी यहाँ पर लड़े जा रहे हैं, लेकिन चुनाव तो एक तरफ, यहाँ पर जो लोगों की समस्या है वह थमने का नाम नहीं ले रही है। और हमारे साथ जितने आपको यहाँ पे बुजुर्ग दिख रहे हैं, जितने सीनियर सिटीजन दिख रहे हैं, वह अपने अधिकारों को लेकर यहाँ पर खड़े हुए हैं और चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। आप लोग खसरा को लेकर अभी तक लड़ रहे हैं, 40 साल एक लंबा समय होता है मैडम। बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हम लोग 40 साल से तो रह रहे हैं और हम लोग की उम्र भी एज हो गई है, अभी काफ़ी एज हो गई है। तो हम लोग सोचते हैं कि हमारा मकान अपने हो जाए, यहाँ ना मकान हो रहा है अपना, हम ना अपना मकान बना पा रहे हैं, ना आगे बढ़ पा रहा है, ना कली, ना किसी चीज़ का नहीं हो रहा है, और सुनने तो कोई आता नहीं। आप लोग इतने लंबे समय से यहाँ पे लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या जो विधायक पहले रह चुके हैं या जो विधायक अभी भी यहाँ पे मौजूदा है, क्या उनसे आप लोगों की कभी बात नहीं हुई? नहीं, विधायक जी से भी हमने इसमें इस मैटर को हमने उन तक पहुंचाया, व्यक्तिगत उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन ये मैटर हमने उनको पहुंचा दिया था। हमारी जो मांग है वो हमने उन तक पहुंचा दी थी पार्षद जी के माध्यम से, कि हम लोग किस तरह से 40 साल से पीड़ित हैं। देखिए, जैसे बोर्ड में आपने देखा है, इसमें लिखा है 40 साल से हम लोग खसरे के लिए लड़ रहे हैं और इसके अगेंस्ट में हम लोग जो है कोर्ट तक गए हैं, लेकिन एक जो श्री राम मंदिर ट्रस्ट है जिसके माध्यम से जमीन खरीदी गई थी, उस ट्रस्ट ने ही इसे पेंच लगा के और सारा B1 को हमसे मिलने से रोक दिया। तो चुनाव के बाद ये जो है प्राथमिकता से चीजों को करने की जो बात है वह कर रहे हैं। लगातार जो है रायपुर उत्तर विधानसभा में चुनावी समीकरण के साथ साथ, चुनावी सरगर्मी के साथ साथ, जनहित के मुद्दे लगातार जो उठते हुए नजर आ रहे हैं। सिटिंग MLA पे सवाल उठ रहे हैं, विपक्ष पे सवाल उठ रहे हैं, अभी तक यहाँ पे कोई झांकने नहीं आया है। 40 साल से अपनी समस्या को लेकर जूझ रहे हैं और अब इनका कहना है, जहाँ पे इन्होंने बोर्ड लगा दिया है कि काम जो करेगा पूरा उसी को ये अपना वोट देंगे, अपना प्रतिनिधि बनाएंगे, अपना विधायक चुनेंगे। तो देखने वाली बात यह होगी कि क्या चुनाव से पहले इनके जो समस्या का समाधान है वह हो पाता है नहीं, या फिर सिर्फ और सिर्फ रामनगर की यह समस्या एक चुनावी मुद्दा या चुनावी जो रणनीति है वही बनकर रह जाती है। कैमरामैन भूपेश जांगड़े के साथ मोनिका दुबे, INS 24/7।